नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलग अलग भाषा में जिसे सहजन, मूंगा, सरगवो या नुग्गी कहते हैं। मार्केट में इसकी बहुत सारी एक से एक बढ़कर वैरायटी है, लेकिन हम जानेंगे मुख्य तीन वैरायटी के बारे में जिसकी आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। वो है ओडिसी 3, PKM1 और PKM2। पेड़ और फली के गुणों के आधार पर हम इनका विश्लेषण करेंगे और जानेंगे क्या फ़र्क है इन तीन वैरायटी में। इससे पहले स्वागत है आपका खेती उद्योग चैनल पे, और इस तरह की जानकारी से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं ओडिसी 3, PKM1 और PKM2। ऐसे नाम क्यों रखे हैं और क्या इतिहास है इसके पीछे? ओडिसी 3, यह भारत के तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिले में ओडमचत्रम क्षेत्र में पाए जाने वाली एक स्थानीय वैरायटी है, और ओडिसी नाम इस जगह के ओडमचत्रम नाम का संक्षिप्त रूप है। इसका ओडिशा राज्य से कोई लेना देना नहीं है, नाम की वजह से बहुत लोगों का कन्फ्यूजन हो जाता है। बेहतर व्यावसायिक पैदावार और बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए मूल ओडिसी वैरायटी में प्राकृतिक स्वफलन द्वारा विकसित प्रत्येक पीढ़ी दर पीढ़ी केवल बेहतर और आकर्षक गुणों वाली फलियों का चयन किया जाता है। इस तरह से चयन की गई यह तीसरी पीढ़ी है, इसलिए इसका नाम ओडिसी 3 रखा है। PKM1, यह वैरायटी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में एपोडम वेंद्रम क्षेत्र से चुनी गई थी। इस उच्चतम क्षमता वाली वैरायटी को विभिन्न स्थितियों और विभिन्न क्षेत्रों में खुले परागण के साथ परीक्षण किया गया, और उस परीक्षण के अच्छे परिणामों को देखते हुए बाद में इसको लगातार 6 पीढ़ियों के स्वफलन लेकिन नियंत्रित परागण के द्वारा PKM1 के नाम से मार्केट में जारी किया गया था। प्रत्येक पीढ़ी में लंबी फली और अनुकूल गुणों का चयन करके ये वैरायटी उन्नत हुई है। PKM2, यह दुनिया की एकमात्र हाइब्रिड वैरायटी है जिसे MP31, जिसे आप PKM1 के नाम से जानते हैं, और MP28, जो कि तमिलनाडु के अरासराड़ी क्षेत्र की स्थानीय वैरायटी है। इन दो वैरायटियों को नियंत्रित परागण द्वारा फलन करके PKM2 के नाम से जारी किया गया था। अगला विश्लेषण गुण है कि हाइब्रिड या लोकल। ओडिसी 3 ये प्राकृतिक स्वफलन द्वारा विकसित होती है, तो यह स्थानीय प्रजाति है। PKM1 ये वैरायटी को उन्नत करते समय जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है उसे मास सिलेक्शन मेथड कहते हैं। हालांकि ये अभी भी प्योर लाइन सिलेक्शन है, यानी कि किसी और वैरायटी को फलन प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इसे आप रिसर्च वैरायटी कह सकते हैं। PKM2, जैसे मैंने पहले भी कहा, यह दुनिया की एकमात्र हाइब्रिड वैरायटी है, क्योंकि इसे दो अलग अलग प्रजातियों को नियंत्रित परागण द्वारा फलन करके विकसित किया गया है। अगला विश्लेषण गुण है बारहमासी या साल में एक बार फसल देने वाली। ओडिसी 3 ये बारहमासी प्रजाति है, यानी मौसम अगर अनुकूल रहा तो ये साल भर फसल देती है, लेकिन व्यावहारिक रूप से साल भर मौसम अनुकूल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कम से कम दो बार साल में ये अच्छी फसल देता है। PKM1 और PKM2 दोनों भी प्रजातियां साल में एक ही बार फसल देती है, मार्च से लेकर अगस्त तक के बीच में। अगला विश्लेषण गुण है कितने दिनों में फसल मिलती है। ओडिसी 3, PKM1 और PKM2 ये तीनों भी वैरायटी बीज बोने से 5 से 6 महीनों में फूलने लगती है, और फूल लगने से 65 दिनों के अंदर यानी कुल मिला के 7 से 8 महीने में पैदावार मार्केट में आप ले जा सकते हैं। मार्केट में जो बताते हैं कि 5 महीने में फसल चालू हो जाएगी, बिल्कुल गलत है, कृपया ऐसे विक्रेताओं से बचें। अगला विश्लेषण गुण है पेड़ की आयु फसल देने के हिसाब से। ओडिसी 3 10 साल तक फसल दे सकती है। PKM1 और PKM2 सिर्फ 3 से 4 साल तक फसल दे सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण गुण, फली की लंबाई, फल का वजन और फसल की मात्रा। ओडिसी 3 के फली की लंबाई 1.25 से 1.5 फीट तक होती है, वजन 100 ग्राम तक होता है, और एक पेड़ एक साल में 300 से 400 फली देता है, तो कुल मिला के एक पेड़ 30 से 40 किलो तक की पैदावार दे सकता है। PKM1 की बात करें तो इसकी फली की लंबाई 2.5 फीट तक होती है,
वजन 150 ग्राम होता है और एक पेड़ एक साल में 220 फल्ली पैदा कर सकता है। कुल मिला के एक साल में एक पेड़ 35 किलो की पैदावार दे सकता है। रही बात PKM2 की, इसकी फली की जो लंबाई है वो 4 फीट तक होती है, वज़न 280 ग्राम तक जा सकता है और एक पेड़ एक साल में 220 फल्ली पैदा कर सकता है। कुल मिला के एक पेड़ एक साल में 60 किलो तक की भी पैदावार आपको दे सकता है। दोस्तों, PKM1 या ODC3 के बीज खरीदने के लिए आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी ऑनलाइन स्टोर को विजिट कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन स्टोर का पता है www.shetiudyogindia.com। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी खुशी के लिए ज़रूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नई जानकारी के साथ, जिसमें हम जानेंगे आपके लिए कौन सी वैरायटी इनमें से बेस्ट है। धन्यवाद।